आप देख रहे हैं चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। पंचायती राज महासंघ के सदर इकाई मंडी की बैठक आयोजित, बैठक में नई कार्यकारिणी का किया गया गठन। डलहौजी के लकड़मंडी गांव में पानी की भारी किल्लत, पानी की आपूर्ति के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। इकतीस दिनों से शराब स्वर्णकार एसोसिएशन मंडी की हड़ताल जारी, ग्राहकों को भी होगा नुकसान, कहा एसोसिएशन अध्यक्ष ने। और बॉय स्कूल मंडी का वार्षिक परिणाम रहा प्रशंसनीय, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अभिभावकों ने दिए बैठक में सुझाव। मंडी में पंचायती राज महासंघ की सदर इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह चंदेल ने अध्यक्षता की। वहीं पंचायती राज महासंघ के संयोजक वीरवल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बैठक के दौरान सदर इकाई मंडी की पुरानी कार्यकारिणी को भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए पंचायत राज महासंघ के प्रदेश संयोजक बीरवल शर्मा ने बताया कि इस बैठक में संघ के लगभग 150 सदस्यों ने भाग लिया, जिसके चलते सदर इकाई मंडी की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में संघ सदस्य कृष्ण सिंह को अध्यक्ष जबकि इंद्रजीत सिंह शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया है। वीरवल शर्मा ने सरकार से मांग की है कि पंचायती राज प्रतिनिधियों को पेंशन भत्ता भी दिया जाना चाहिए। आज जो प्रतिनिधि शामिल हुए, जो प्रधान उपप्रधान मेंबर इकट्ठे हुए, उन्होंने मांग की सरकार से पंचायती राज प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाए, ई ट्रेनिंग प्रणाली बंद कर दी जाए, समस्त प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य भत्ता दिया जाए और दो हज़ार आठ से सभी पंचायत इनको प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाए, ये मोटी मोटी मांगें की गई हैं। वहीं बैठक के दौरान नई कार्यकारिणी में चुने गए अध्यक्ष कृष्ण सिंह ने बताया कि पंचायती प्रतिनिधियों को कार्यप्रणाली में सामने आने वाली समस्याओं को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। मुझे यहाँ से प्रधान जो सदर खंड का है उसका मुझे प्रधान नियुक्त किया हुआ है और जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे सदर ब्लॉक में जाकर के जो महासंघ का जो कार्य है और जो प्रधानों और उपप्रधानों को और वार्ड मेंबरों की जो समस्या है, उन समस्याओं को सभी नोट करके हम प्रदेश सरकार के पास उनको ले जाएंगे और वो जो समस्या है प्रधान और उपप्रधानों की, उन समस्याओं को हम मजबूती से सरकार को पेश करेंगे और जो प्रधानों को जो ताकि फील्ड में दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत सारे कार्य हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं वो ई टेंडरिंग के माध्यम से हमारे जो यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा लाना चाहते हैं, तो इसके भी हमने यहाँ पे विरोध किया। आपको बता दें कि पंचायती राज महासंघ के सदर इकाई मंडी की एक बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। वहीं संघ की मांगों को लेकर सदस्यों ने चर्चा भी की। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी शिमला की लाइफलाइन सर्कुलर रोड पर लिफ्ट के पास बड़ी दरार करीब 3 फुट गहरी हो चुकी है। जैसे जैसे दरार गहराती जा रही है, सर्कुलर रोड पर भी खतरा मंडराने लग चुका है। इसी बीच सड़कों के बीचों बीच नई दरार भी बढ़ गई है और इन दरारों से रोड ढहने का खतरा और अधिक बढ़ चुका है। राजधानी शिमला के सर्कुलर रोड पर जान जोखिम में डालकर वाहनों की आवाजाही चल रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग की ओर से तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद इस सड़क से होकर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी है। बावजूद इसके ओवरलोड मिनी प्राइवेट बसें क्षतिग्रस्त सड़क के पास से होकर ही चल रही हैं। सर्कुलर रोड सड़क की नींव पूरी तरह से हिल गई है। लिफ्ट के पास मंगलवार सुबह करीब 1 फुट दरारें आ गई थी, जबकि यह दरारें बुधवार को करीब 3 फुट गहरी हो गई। एक साल के भीतर इस सड़क में करीब 200 मीटर की लंबाई में कई बार दरारें आ चुकी हैं और कई डंगे भी बैठ गए हैं, जिससे बार बार यातायात प्रभावित हुआ। वहीं लोक निर्माण विभाग के सर्कल कार्यालय से मुख्य कार्यालय को जोड़ने वाली भी यही एक सड़क है। दरारें पड़ने से सड़क में रोजाना लंबा जाम लग रहा है।
लोगों को पैदल ही गंतव्य स्थान पर पहुंचना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राजधानी शिमला की लाइफलाइन सर्कुलर रोड पर लिफ्ट के पास पड़ी दरार करीब 3 फुट गहरी हो गई है। जैसे जैसे दरार गहराती जा रही है, वैसे वैसे सर्कुलर रोड पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच सड़क के बीचों बीच नई दरारें भी पड़ गई हैं और इन दरारों से रोड ढहने का खतरा और अधिक बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने जमकर खरीदारी की थी। वहीं बारिश के कारण कुछ लोगों को मेले के दौरान निराश भी होना पड़ा था, क्योंकि बारिश के कारण पूरा मेले का मजा किरकिरा हो चुका था। वहीं बाहरी राज्यों से आए हुए व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया के चैनल के साथ साझा करते हुए बताया कि इस मेले के दौरान उन्हें भारी बारिश के कारण परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। क्योंकि जब मेला स्टार्ट हुआ उसमें बरसातें वगैरह आ गई, तो आपने देखा ग्राउंड में फुल कीचड़ थी, उसमें ग्राहक था तो ग्राहक भाग गया। बाद में अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम चल ही रहा है, मतलब घाटे में नहीं जाएंगे, बराबर शराबर चले जाएंगे। 2-4 दिन मिल गया तो खर्चे पूरे। 31 तक बोला था, अभी मतलब संडे तक बोले सर। कुल मिला के व्यापार किस तरह का रहा इस बार, कैसा रहा? ठीक रहा। मौसम जैसे 2-3 दिन मौसम खराब रहा, उसके बाद ठीक हो गया था मौसम, तो 2-3 दिन काम ठीक रहा। अभी जैसे प्रशासन ने 31 तक का समय दिया था आप लोगों को, क्या क्या प्रतिक्रिया है उसको लेकर? 31 को बोला अभी तो कुछ पता नहीं चला, अभी बैठे हैं, संडे तक हो सकता है, लग सकता है अभी भी 2 रुपये हो सकती है। ये जब से मेला स्टार्ट हुआ है तो शुरू में तो बारिश से थोड़ी दिक्कत आई, फिर उसके बाद ज़्यादा खास नहीं रहा इस बार। बारिश से बहुत शुरू के टाइम में दिक्कत हो जाती है, फिर पब्लिक लास्ट में आ नहीं पाती है। और पहले तो जो संडे वगैरह ठीक होते थे, मगर अब संडे वो भी सब हो नहीं पाता है काम। अभी तो लोग खरीदारी कर रहे हैं वैसे? लोग खरीदारी बस बहुत ही, बस घूमने वाले ज़्यादा हैं, एंजॉय करने वाले ज़्यादा हैं और खरीदारी कम कर हो रही है। व्यापार इस बार कोई खास नहीं चला। किस चीज़ का व्यापार करते हैं? जूते का ही है, जूता, लेडीज चप्पल। कुल मिला के कैसा रहा व्यापार इस बार? बारिश की वजह से थोड़ा खराब, कोई खास नहीं हुआ। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। आज इस सरयद धनबाद मेले एवं देवता मेले की सभी सुंदरनगर वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं सभी सुंदरनगर वासियों को अपील करता हूं कि सभी लोग मिलजुल कर इस मेले में आए और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाकी एक संदेश जो है पूरे भारत में चला है स्वच्छता के बारे में, मैं सभी नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले और देवता मेले के सुंदर नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि अपने नगर को सुंदर बनाएं, और समस्त पार्षदगणों की तरफ से मेले की हार्दिक शुभकामनाएँ। सुकेत की ऐतिहासिक नलवाड़ मेले पर और देवताओं के मेले पर मैं सुंदरनगर वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सैकड़ों साल से मनाया जा रहा है ये मेला, देवताओं का मेला, नलवाड़ मेला, ये खूब हर्ष से, खुशी खुशी से ये मेला यहाँ पर इस साल भी मनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें लोग भाग लें। और प्रशासन से मेरा विशेष तौर पर अनुरोध रहेगा कि पशुओं के चारे की ठीक व्यवस्था और पशुओं के इलाज के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए उनकी ठीक ढंग से व्यवस्था करें, और इसी तरह से हमारे देवी देवताओं का ये परंपरागत मेला, इसमें भी मेरा इनसे यही निवेदन रहेगा कि देवताओं के ठहरने की, देवताओं के खाने की, और उनका जो अपना ग्राउंड है नीचे उसमें ठीक तरह से बैठने की व्यवस्था भी की जाए। प्रदेशवासियों को एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सुंदरनगर की तरफ से नलवाड़ मेले और देवता मेले की हार्दिक शुभकामनाएं।
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मंडी एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अजय राणा की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला समिति सुंदरनगर के अध्यक्ष राजीव कुमार की ओर से आप सभी को नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राजीव कुमार ने आप सभी से अनुरोध किया है कि मेले के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर के प्रधानाचार्य मोहित चुग की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। सचदेवा कॉलेज मंडी द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000 क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE BSc हॉर्टिकल्चर BSc एग्रीकल्चर BSc नर्सिंग AIPMT NDA एंड PET मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फीस बैच स्टार्ट्स फॉर HP पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2016 कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पडल मंडी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2016-17 सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी प्लेवे विद क्रैश सचदेवा कॉलेज पडल नियर पुलिस थाना मंडी। विजय सिंधिया सेकेंडरी स्कूल मंडी में कक्षा 6, 7, 9 और जमा 1 का परीक्षा का परिणाम काफी सराहनीय रहा। वहीं परिणाम घोषित होने के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान स्कूल प्रबंधन ने मौजूद अभिभावकों से आगामी सत्र 2016-17 से शुरू होने वाली स्कूल कार्यप्रणाली को लेकर भी सुझाव मांगे। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में कक्षा 6, 7, 9 और जमा 1 का परीक्षा परिणाम बेहद अच्छा रहा। स्कूल प्रधानाचार्य परसाम सैनी ने प्रशंसनीय परिणाम घोषित होने पर अध्यापकों और छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी बधाई दी। वहीं परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के अभिभावकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए परसाम सैनी ने बताया कि आगामी सत्र में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए अभिभावकों के सुझाव लिए गए हैं ताकि बच्चे अपना बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। बच्चों के परिणाम के पश्चात हमने इनके साथ एक बैठक का आयोजन किया। ये बैठक अभी भी चल रही है जिसमें हम इनके साथ ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगामी सत्र में हम कैसे मिलजुल कर बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए उनको बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए और उनके बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी तरफ से भी कुछ बातें उनके सामने रख रहे हैं और उनकी तरफ से बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं जिनको हम पूरी तरह से अमल में लाएंगे ताकि SMC और हम आपस में मिलजुल कर बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अपने प्रयत्न कर सकें। आपको बता दें कि विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी के 6 और 7 के बच्चों ने परीक्षा परिणाम में अच्छे ग्रेड हासिल किए हैं। वहीं कक्षा 9A का परिणाम 79% रहा जबकि 9B का परिणाम 90.6% रहा। वहीं स्कूल की जमा 1 कला संकाय का परिणाम 93% और कुमार संकाय और विज्ञान संकाय का परिणाम 100% रहा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कन्या विद्यालय स्कूल मंडी का परिणाम काफी सराहनीय रहा। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने परिणाम घोषित होने के साथ साथ छात्रों को नई कक्षा में प्रवेश लेने के लिए औपचारिकताओं के बारे में भी बताया। वहीं छात्राओं का परिणाम सुनने के लिए अभिभावक भी मौजूद रहे। कन्या विद्यालय मंडी के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह पटचार्य ने बताया कि विज्ञान संकाय का परिणाम 82.5% रहा। वहीं कॉमर्स संकाय का परिणाम 100% रहा जबकि कला संकाय का परिणाम 79.6% रहा। उन्होंने कहा कि 7, 8 और 10 की कक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। वहीं उन्होंने बताया कि 6 और 9 कक्षा में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक दाखिला दिया जाएगा और 8 अप्रैल से नियमित कक्षाएं शुरू की जाएंगी। प्रधानाचार्य ने बताया कि जमा 1 और 12 कक्षाओं के लिए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक एडमिशन चलती रहेंगी लेकिन 10 अप्रैल के बाद एडमिशन लेने वाले छात्रों को लेट फीस देनी होगी। आज रिजल्ट
गर्ल्स स्कूल का हमने अनाउंस किया, जिसमें साइंस स्ट्रीम में गर्ल्स स्कूल का रिजल्ट है 82.5% और कॉमर्स स्ट्रीम में जो रिजल्ट है वो है 100% और आर्ट्स स्ट्रीम में स्कूल का रिजल्ट है 79.6%। जहाँ तक एडमिशन की बात है, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास और दसवीं क्लास की जो पढ़ाई है वो कल से शुरू हो जाएगी, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। छठी क्लास में और नौवीं क्लास में जो एडमिशन है वो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक होगी। रेगुलर क्लासेस 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। प्लस वन प्लस टू क्लासेस की बात है, उनकी एडमिशन 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक होगी। 10 अप्रैल के बाद 20 दिन एडमिशन विद लेट फीस 10 रुपये के हिसाब से एडमिशन होगी। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह पटचार्य ने स्कूल का बेहतर परिणाम रहने पर स्कूल के अध्यापकों और अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने बच्चों को संदेश दिया कि मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ें, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी सफलता का एक मूल मंत्र है। जो बच्चे पास हुए हैं उन बच्चों को और पेरेंट्स को मेरी तरफ से और मेरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं बच्चों को यही संदेश देता हूँ कि अगर मेहनत और ईमानदारी से आप आगे बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है, सभी बच्चे इसको अडॉप्ट करें। मेहनत और ईमानदारी, यही जीवन का मूल मंत्र है आगे बढ़ने का। तो सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जो पास हो गए, और जो बच्चे पास नहीं हुए वो डिमोरलाइज ना हो, वो खूब मेहनत करें, ऐसी मेहनत करें कि सबसे ज्यादा नंबर लें और मेरिट में आए। आपको बता दें कि कन्या विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी का परिणाम भी सराहनीय रहा। वहीं स्कूल के प्रांगण में स्कूल प्रधानाचार्य ने सभी छात्राओं के समक्ष वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा की। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी रहेंगी। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इम्पोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहां उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मंडी। नागचला के मशहूर बर्तन विक्रेता हरनाम दास एंड सन्स। जी हाँ, हरनाम दास एंड सन्स स्टील, मेटल और यूटेंसिल्स मर्चेंट। आपकी सेवा में शिवरात्रि मेला ग्राउंड तक आ पहुँचे हैं। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि महोत्सव के दौरान कीजिए बर्तनों की जी भर के खरीदारी। मेला ग्राउंड में स्टॉल का नाम जरूर याद रखें। नागचला के मशहूर हरनाम दास एंड सन्स, शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पड्डल, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज, और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। डॉक्टर हेमंत कुमार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, अर्लियर वर्किंग इन मांडव हॉस्पिटल, ओपन्ड न्यू हॉस्पिटल विद फर्स्ट टाइम मॉडर्न फैसिलिटीज इन द सेंटर एंड हार्ट ऑफ मंडी टाउन एट हॉस्पिटल रोड, नीलकंठ हॉस्पिटल। हियर 24 आवर इमरजेंसी फैसिलिटीज अवेलेबल। यहां आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहां एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं।
special private rooms available. We have operation theater with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Nilkant Hospital, Hospital Road, Mandi. मंडी एएसपी कुलभूषण वर्मा ने जानकारी दी है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया के चलते 3 अप्रैल से होने वाले शारीरिक परीक्षण को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रशासन द्वारा शारीरिक परीक्षण की नई तारीख निर्धारित की जाएगी। मंडी पुलिस द्वारा निर्धारित पुलिस भर्ती जिसका शेड्यूल 3 अप्रैल से 16 अप्रैल 2016 तक रखा गया था, प्रशासनिक कारणों से पोस्टपोन कर दी गई है। आगे की डेट कुछ समय बाद निश्चित की जाएगी। मोबाइल फोन पर टाइपिंग के लिए अब आपको अपने उंगलियों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होगी। फोन पर अब किसी भी भाषा में महज बोलकर टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर यदि आप हिंदी भाषा का चयन करते हैं तो सबसे पहले हिंदी टाइपिंग के लिए गूगल हिंदी इनपुट और उसके साथ गूगल हिंदी इनपुट वॉइस टाइपिंग कीबोर्ड इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी। जिस तरह टाइपराइटिंग बीते जमाने की बात हो गई है, उसी तरह तकनीक ने कंप्यूटर टाइपिंग को भी मात देनी शुरू कर दी है। अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो आप वास्तव में स्मार्ट हैं। सोशल मीडिया के प्रभाव के चलते बाजार में ऐसे ऐप लॉन्च हो गए हैं जिन्होंने फोन पर टाइपिंग की तकनीक को भी पीछे छोड़ दिया है। न स्क्रीन की ओर देखने के झंझट और न ही बार बार टाइपिंग के लिए अंगुलियां चलाने की जरूरत। अंग्रेजी हो या हिंदी, यह नया ऐप हर भाषा में टाइप कर सकता है। खासकर युवा पीढ़ी में इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए यह ऐप एक वरदान की तरह माना जा रहा है। जो लोग टाइपिंग में सक्षम नहीं है, गूगल हिंदी इनपुट वॉइस टाइपिंग कीबोर्ड की मदद से कहीं भी मोबाइल पर महज बोलकर ही टाइप किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए आपका मोबाइल इंटरनेट डाटा प्लान से कनेक्ट होना चाहिए। इस ऐप की खासियत यह है कि यह बिना किसी त्रुटि के आपके बोलने की गति के हिसाब से टाइप करता है, जिससे समय की बचत तो है ही, बहुत से काम भी आसानी से हो गए हैं। शुरुआती दौर में इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप मोबाइल पर हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से 2 ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल करने होंगे। सबसे पहले हिंदी टाइपिंग के लिए गूगल हिंदी इनपुट, उसके साथ गूगल हिंदी इनपुट वॉइस टाइपिंग कीबोर्ड। दोनों को इंस्टॉल करने के बाद कीबोर्ड को पहले सेटिंग्स में हिंदी इनपुट पर सिलेक्ट करें, उसके बाद गूगल हिंदी इनपुट वॉइस टाइपिंग कीबोर्ड ऐप को ओपन कर बोर्ड को इनेबल करें और सेट इनपुट मेथड में जाकर हिंदी एंड इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद मैसेज बॉक्स में जाकर स्पेस पर थोड़ी देर के लिए टैप कर गूगल वॉइस टाइपिंग पर जाएं और माइक्रोफोन के साथ बने सेटिंग आइकॉन में हिंदी या अपने मनपसंद की कोई भी भाषा चुनकर बोलना शुरू करें। आपका मोबाइल उसी भाषा में टाइप शुरू कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पंचायती राज महासंघ के सदर इकाई मंडी की बैठक आयोजित। बैठक में नई कार्यकारिणी का किया गया गठन। डलहौजी के लकड़मंडी गांव में पानी की भारी किल्लत। पानी की आपूर्ति के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। इकतीस दिनों से शराब स्वर्णकार एसोसिएशन मंडी की हड़ताल जारी। ग्राहकों को भी होगा नुकसान, कहा एसोसिएशन अध्यक्ष ने। और बॉय स्कूल मंडी का वार्षिक परिणाम रहा प्रशंसनीय। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अभिभावकों ने दिए बैठक पर सुझाव।